हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में शामिल पंजाब पुलिस के अधिकारी राजजीत सिंह के खिलाफ मान सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। आरोपी देश छोड़कर फरार ना हो सके, इस कारण से ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले पंजाब के ड्रग्स मामले में सीलबंद रिपोर्ट खोलने के बाद सीएम भगवंत मान के आदेश पर आरोपी राजजीत सिंह को दर्ज केस में नामजद किया गया था, साथ ही उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। इतना ही नहीं, नशे की तस्करी से प्राप्त की गई संपत्ति का पता लगाने के लिए पंजाब विजिलेंस की भी जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि सीएम मान ने पिछले दिनों ड्रग रैकेट केस की सभी फाइलें तलब की थी, उसी वक्त ये कार्रवाई किए जाने की आशंका जताई गई थी। मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान भी पंजाब सरकार ने जल्द कार्रवाई करने के बारे में कहा था। वहीं सीएम मान ने ट्वीट कर कहा, नशा तस्करी में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीलबंद लिफाफों की रिपोर्टों को खंगालने के बाद राजजीत सिंह हुंदल पीपीएस अधिकारी को ड्रग तस्करी केस में नामजद करके तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। विजिलेंस को चिट्टे की तस्करी से कमाई हुई संपत्ति की जांच करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने एसएसपी मोगा राजजीत सिंह समेत इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह से संबंधित मामले की जांच के आदेश एसटीएफ को दिए थे। वहीं राजजीत सिंह ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर कहा था कि एसटीएफ प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू उनके मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं। वहीं हाईकोर्ट ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजीपी प्रबोध कुमार और आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी, जबकि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने दो रिपोर्ट्स अलग से सीधे हाईकोर्ट को सौंपी, जो हाईकोर्ट में सील बंद लिफाफे में थी। बता दें कि राजजीत सिंह पंजाब के एनआरआई विंग में आईजी मुख्यालय के रूप में तैनात थे। उनके मुख्य साथी दागी इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह को जुलाई 2017 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उनके साथ ही तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम भी रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से फिलहाल राजजीत सिंह के खिलाफ ही एक्ट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.